गृहस्थ में रहने वाले सभी साधकों के लिए यह वीडियो है। आप सभी को सर्व देवी देवता का पूजन करना होगा। सर्व देवी देवता पूजन में आप किन किन देवी देवताओं का पूजन कर सकते हैं माँ बगलामुखी साधना के दौरान, माँ बगलामुखी पूजा के दौरान, यही मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप वहाँ पर आपने जो पूजन सामग्री लाई है उसे आप उसका पवित्रीकरण कर ले, स्वयं का पवित्रीकरण कर ले, नीचे आसन बिछा दे, सिर के ऊपर पीला कपड़ा रख ले, और इसके बाद में सर्वप्रथम आप पृथ्वी माता जी का ध्यान करें, पृथ्वी माता जी के मंत्र का ध्यान करें और हल्दी कुमकुम थोड़ा सा अपने आसन के नीचे रख दें। इसके बाद में आप अपने दिव्य सद्गुरुदेव जी का ध्यान करें, जिन सद्गुरुदेव जी, जिस गुरुदेव जी के रूप में आप जिस संत ऋषि मुनि महात्मा को मान रहे हैं उन्हें प्रणाम करें, और सद्गुरुदेव देवऋषि नारद भगवान जी का ध्यान करें। अगर सात्विक रूप से माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रहे हो तो सद्गुरु देवऋषि नारद ऋषि का भी ध्यान करें। इसके बाद भगवान गणेश जी का ध्यान करें। बहुत सारे साधक भक्त माँ बगलामुखी की पूजा के दौरान सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान कर लेते फिर गुरुदेव जी का ध्यान कर सकते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप भी गुरुदेव जी का तो ध्यान हमें करना ही चाहिए, भगवान गणेश जी का भी ध्यान कर सकते हो, और भगवान गणेश जी में भी भगवान हरिद्रा गणपति भगवान जी का ध्यान करें, उनके हरिद्रा गणपति मंत्र का उच्चारण करें। भगवान गणेश जी के बाद में आप माँ बगलामुखी की पूजा में आप भगवान शिव का ध्यान करें, भगवान शिव के दिव्य मंत्र का उच्चारण करें, उनकी स्तुति करें। भगवान शिव जी के बाद में भगवान विष्णु जी, भगवान विष्णु जी की दिव्य स्तुति का ध्यान करें। भगवान विष्णु जी के ध्यान के समय भगवान कृष्ण और भगवान राम जी की भी स्तुति कर लें, और उसके बाद में भगवान हनुमान जी महाराज की स्तुति करें, भगवान हनुमान जी महाराज के दिव्य मंत्र का उच्चारण करें, और भगवान हनुमान जी महाराज जी के ध्यान करने के बाद बटुक भैरव महाराज जी का ध्यान करें, उनकी स्तुति करें। नवग्रह देवताओं का ध्यान करें, नवग्रह देवताओं के बाद में दसों दिशाओं का ध्यान करें, उनको प्रणाम करें और पूजा में सफलता के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद में आप माँ बगलामुखी की पूजा करने के लिए आगे बढ़िए। माँ बगलामुखी की पूजा करने के लिए सबसे पहले तो आप वह दिव्य मंत्रों का स्मरण करें, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण ज्ञान रूपेण विद्या रूपेण स्मृति रूपेण लक्ष्मी रूपेण सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। आप सभी को ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मंत्र का ध्यान करें। इसके बाद में आप माँ बगलामुखी माता जी की पूजा के दौरान अगर आपको चामुंडा माता जी के बीज मंत्र का उच्चारण आता है तो उसका ध्यान करें, कामाख्या देवी का ध्यान करें, और दैविक शक्ति में माँ भगवती के जिन भी रूपों का आपको मंत्र याद है उन मंत्रों का भी सुमरण करें। और आप सभी को एक चीज बताना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की तंत्र क्षेत्र की महाविद्या की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ कामाख्या देवी का ध्यान जरूर करें। इसके अलावा 10 महाविद्याओं का इस मंत्र का ध्यान जरूर करें। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी चिन्नमस्ताच विद्या दुमावती तथा बगलामुखी सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका। 10 महाविद्याओं को भी प्रणाम करें, 10 महाविद्याओं का ध्यान करें, फिर बगलामुखी माता जी की साधना के ऊपर आए। माँ बगलामुखी माता जी का ध्यान मंत्र का सुमरण करें, माँ बगलामुखी माता जी का विनियोग करें, विनियोग करने के बाद माँ बगलामुखी माता जी के गायत्री मंत्र का ध्यान करें, बगलामुखी माता जी के 36 अक्षरी मंत्र का ध्यान करें, माँ बगलामुखी माता जी की आरती करें, कर्पूर गौरम करें, और माँ बगलामुखी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसके अलावा आप प्रतिदिन माँ बगलामुखी माँ की साधना करना चाहते हो तो ये सर्व देवी देवता पूजन करने के बाद माँ बगलामुखी माता जी का पूजन करें, और बगलामुखी माता जी का भी पूजन हो जाने के बाद में फिर बटुक भैरव महाराज जी के दिव्य मंत्र का सुमरण करते हुए, बटुक भैरव महाराज जी का ध्यान करते हुए आपका सुरक्षा घेरा तैयार कर लें। इस ओर से ऐसा कुछ समय आपने आसन के ऐसे या तो जल से या काले तिल से या सरसों से उस रक्षा सूत्र को तैयार करें, क्योंकि नए नए साधक जब माँ की साधना करते हैं तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना होता है। माता जी की सहचर्या भी उन्हें परेशान करती है, योगिनियाँ रक्तपान करने लग जाती है,
अगर आपके शरीर के अंदर भी आपको ऐसा लगता है कि योगिनियाँ रक्तपान कर रही है, साधना नहीं कर रहे हो, चिड़चिड़ापन लग रहा है, तो माँ बगलामुखी माता जी का कवच पढ़ लिया करिए साधना से पहले, और फिर इसके बाद में आप माँ बगलामुखी माता जी की साधना चालू करिए। माला जाप करने का आपको तरीका पता होगा कि किन उंगलियों को लेकर माला को पकड़ा जाता है, माला एक हो जाने के बाद माला को घुमाया जाता है, और माँ बगलामुखी माता जी की साधना करते समय एक अखंड ज्योति जलाना पड़ता है, एक दिव्य ज्योति जलाना पड़ता है, उस दिव्य ज्योति में ही माँ बगलामुखी माता जी का चिंतन करना पड़ता है। बहुत ही बड़ी दिव्य जानकारी, बहुत ही बड़ा गूढ़ रहस्य मैंने इस वीडियो में बताया है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत सारी माताएं बहनों के पास में समय नहीं होता है कि वे अधिक से अधिक माला जाप करें। आप बटुक भैरव महाराज जी का ध्यान करते हुए, माँ बगलामुखी माता जी का ध्यान करते हुए आप अगर सब्जी काट रहे हो तो उस समय भी माता रानी का चिंतन कर सकते हो, माँ बगलामुखी माता जी के बीज मंत्र का ध्यान कर सकते हो। आप कपड़े धो रहे हो उस अवस्था में भी आप आपके चिंतन मनन करते रह सकते हो, माँ बगलामुखी माता जी के मंत्र का ध्यान कर सकते हो। आप कहीं सफर में जॉब में जा रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, उस समय बगलामुखी मैया का धीरे धीरे बोलकर मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। रोटी बेलते समय भी आप माँ बगलामुखी माता जी का जाप कर सकते हो। घर में कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो काम करते वक्त आप भगवान की स्तुति करना अपने आप को उचित समझते हो, वो भी आप कार्य कर सकते हो। माँ बगलामुखी मैया को अगर आप तन मन धन से मानते हो, हृदय में माँ भगवती की दिव्य ज्योति जगा लेते हो, तो माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेंगी। और मैं गृहस्थ में रहने वाले हर एक साधक से कहना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी माता जी को तंत्र क्षेत्र की महाशक्ति मानकर, माँ मानकर पूजा आराधना करें, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। माता रानी को अगर टोने टोटके करने वाली देवी मानकर अगर आप पूजा करते हो तो ना आपका टोना टोटका सिद्ध होगा, ना आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी। माँ बगलामुखी माता शिव प्रिया है, भगवान शिव की पत्नी है, माँ बगलामुखी माता जी के शिव त्र्यंबकेश्वर हैं, माँ बगलामुखी माता जी के पुत्र है भगवान हनुमान जी महाराज जी, भगवान बटुक भैरव महाराज जी। बहुत सारा दिव्य रहस्य है माँ बगलामुखी माता जी का, आप सभी को मेरे चैनल से देखने को प्राप्त होगा। और मैं गृहस्थ में रहने वाले उन भक्तों को भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए निर्देश देते हैं, शास्त्रों में भी कहा गया है ब्रह्मचर्य का पालन अगर आप करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन जिस समय आप कोई व्रत कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, संकल्प लेकर माँ भगवती की साधना कर रहे हो, उस समय आप ब्रह्मचर्य का भी पालन करें, माँ भगवती का चिंतन करें। और माँ बगलामुखी साधना की गुप्त विधि प्राप्त करने के लिए, माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा प्राप्त करने के लिए, माँ बगलामुखी माता जी का कवच प्राप्त करने के लिए, अगर आपका दुकान है तो दुकान के लिए कवच प्राप्त करने के लिए, और माँ बगलामुखी माता जी का शत्रुनाश हवन करने के लिए, माँ बगलामुखी का गुप्त अनुष्ठान करवाने के लिए आप माँ बगलामुखी साधक रविंद्र मानकर से संपर्क कर सकते हो। समय आने पर आपके लिए यह सेवा भी मैं उपलब्ध कराऊँगा, और माँ बगलामुखी माता जी के दिव्य मंदिर से आपके लिए पूजा संकल्प होगा, आपको माँ बगलामुखी कवच मिल सकता है, माँ बगलामुखी माता जी का इस मंदिर से हवन हो सकता है, और आप सभी पर माँ बगलामुखी माँ की कृपा बनी रहे, ऐसी मैं भगवान शिव और माता पार्वती जी से प्रार्थना करता हूँ। जय माँ बगलामुखी।